प्याज काटते समय आंसू आ जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ। गर्मियों के मौसम में प्याज का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि यह हमें लू से बचाता है। फेमस शेफ रणवीर बरार का कहना है कि यदि भारतीय खाने को समझना है तो प्याज को समझना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन प्याज को समझना तो दूर की बात है, प्याज काटना ही बहुत मुश्किल है। दरअसल प्याज में एक किस्म का रसायन पाया जाता है, इसे साइन प्रोफेथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारी आँखों में आंसू आते हैं, क्योंकि ये लेकेमाइल ग्रेड को उत्तेजित कर देता है जिससे आंसू बनने लगते हैं। प्याज में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ये एंजाइम साइन प्रोफेथियल एस ऑक्साइड बनाने के जिम्मेदार होते हैं। जब हम प्याज को काटते हैं तो लेकेमाइट्री फैक्टर सिंथेस रिलीज होता है, ये एंजाइम एमिनो एसिड को सल्फोनिक एसिड में बदल जाता है। इसके बाद सल्फोनिक एसिड ही बदलकर साइन प्रोफेथियल एस ऑक्साइड बनाता है, जिसका हवा के जरिए हमारी आंखों में संपर्क होता है तो आंसू आ जाते हैं। इससे बचने के उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप प्याज को छिलकर फ्रिज में या विनेगर में रख देंगे तो आंसू नहीं आएंगे। आप प्याज का छिलका उतार कर उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।